हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में तेज गिरावट आ चुकी है और जो हम कल बात कर रहे थे उससे स्टॉक बहुत नीचे टूट गया। बट उससे पहले आज हम एक छः ऐसी चीज़ों के बारे में सीखना पसंद करेंगे जो कि एक कॉमन मिस्टेक है और दोस्तों अगर आप वो दूर कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद में हम दो तीन शेयर साथ में साथ क्रूड ऑयल साथ में साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ एक चीज़ सीख लेते हैं जिससे कि आपको नुकसान हो। दोस्तों छेद जो चीज़ है उसके अंदर सबसे पहला है एंटर टू अर्ली। दोस्तों हमने बहुत सारी बार देखा है कि जो ट्रेडर्स होते हैं या जो प्री मेच्योर ट्रेडर्स होते हैं जिनको बहुत कम आता है जानकारी होती है, बट वो चाहते हैं कि वो वेट नहीं करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द ट्रेड लेना चाहते हैं और यूजली वो कोई भी कॉस्ट हो डेयरली उसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं। देन क्या होता है टू बिकम अ कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं और उनको ये जरूरी होती है कि अगर आप इस तरीके से टू अर्ली और टू एग्जिट में विश्वास रखते हैं तो आपको एक मास्टर स्किल्स होना चाहिए। सेकंड थिंग है दोस्तों एग्जिट टू अर्ली। दोस्तों यह एक सेम उसके अपोजिट थिंग है कि अगर आप एक ट्रेडर है और अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो आपको अर्ली एग्जिट होने की क्यों जरूरत है। आप इसमें क्या होता है कि आप अपने लॉसेस को कट नहीं करते हैं बहुत सारी बार, बट वहाँ पर आप खड़े रहते हैं। बट अगर आपका कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड है या जिसे हम कहते हैं कि विनिंग ट्रेड है जो कि आपको रन हो रहा है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देना चाहता है, बट उसमें होता क्या है कि आप मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स क्या होते हैं ग्रीड और फेयर के चलते जल्दी से जल्दी उसमें निकल जाते हैं और दे डू नॉट वॉन्ट टू एग्जिट इन ट्रेड। और मतलब वो चाहते हैं कि वो जब एग्जिट नहीं करते हैं जब वो लॉस में होते हैं, जब एग्जिट करते हैं जब प्रॉफिट में होते हैं और छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो इसमें चांसेस विनिंग वाले प्रॉफिट को खोने की होती है अगर आप सिट टाइट करके बैठेंगे और अपना स्टॉप लॉस वाली चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, वो छोटा हो या फिर उसमें आप निकलते हैं या फिर वो एग्जीक्यूट होता है तो कोई इशू नहीं, बट प्रॉफिट में बने रहें जब तक कि आपको लगता है कि ऊपर जा सकता है तो देन आप उस प्रॉफिट को अच्छा खासा घर ले जा पाएंगे और वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी अगेन एंड अगेन। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। देन थर्ड है डोंट स्टिक इन योर लो। अगर हम कहेंगे एक बहुत बड़ी फेमस मिस्टेक ये है कि लोग जो होते हैं वो अपने खुद के रूल्स बनाते हैं और उसके बाद में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते और कभी कभी क्या होता है कि अगर वो उन्होंने कोई रूल बना लिया है तो उसको मानना चाहिए। दे शुड टू अंडरस्टैंड दे शुड द रूल्स शुड बी रिटन डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर। अगर हम चाहे तो एक पेपर पर रिटन होना चाहिए और जब कभी चाहे वो हमारे सामने होना चाहिए। जब कभी भी हम ट्रेड लेना चाहे तो हम उसे देख सकते हैं क्योंकि तो ट्रेडर को ये पता होना चाहिए। जैसे कि हम कभी कुछ चीज़ याद नहीं होती तो दीवारों पर या स्टिकी नोट दीवार पर पेपर पर लैपटॉप पर कहीं पे भी चिपका लेते हैं जिससे क्या होता है हमें वो चीज़ आती है। तो ट्रेडिंग जो होता है मोस्ट प्रॉफिटेबल बनाने के लिए या ह्यूमन बीन को उसकी आदत डालने के लिए कम से कम ऐसी चीज़ वो अपनी आंखों के सामने लिख के रखे जो उसको बार बार समझ में आती रहे। दोस्तों देन फियर टू पुलिंग द ट्रिगर, ये इसके अंदर क्या होता है अनदर एक कॉमन मिस्टेक ये होती है दोस्तों कि जब कभी भी आप कोई ट्रेड लेते हैं या फिर ट्रेड प्लेस करते हैं तो दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द फिगर, बट ये बड़े बड़े ट्रेडर बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ होता है और ये सब लोग होता है कि जो मतलब लूज जब ये क्या होता है कि हम लॉन्ग ट्रेड में रहते हैं कि हमारा लॉस होता है बट हम प्रॉफिटेबल नहीं रहते, तो इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि आप स्टे अवे द मार्केट एंड वाइल ट्रेडिंग अ डोमो अंटिल दैट रिमेन कॉन्फिडेंस। मतलब कि अगर आपको ट्रेड लेने से या फिर आपका एग्जीक्यूट ट्रिगर होने से आपको घबराहट होती है, मान लीजिए आप कोई ट्रेड डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है ट्रेड डालते वापस निकाल देते कैंसिल कर देते देन आप स्टॉप लॉस रखते हैं देन कैंसिल कर देते या फिर स्टॉप नीचे ले जाते जाते आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। दोस्तों जब आपके पास पूरी स्किल हो और आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है और मैं इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ तो स्टॉप लॉस या प्रॉफिट को निकालने की जरूरत नहीं है, वो लगे रहे और उससे घबराए नहीं कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हो जाता है तो अच्छा है कोई बात नहीं, आप बड़े लॉस से बच जाते हैं। दोस्तों देन नेक्स्ट है आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान है कि नहीं। सबसे पहले तो आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाए, वो ट्रेडिंग प्लान में आपको क्या करना है कि भाई किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग प्लान आप बनाते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी स्किल हो, किस तरीके आपको आप एवरेजेस यूज करते हैं, किस तरीके की आप फॉर्मूले यूज़ करते हैं या फिर आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, वो इंडिकेटर आपके लिए हमेशा होना चाहिए जिससे कि क्या होगा कि जो आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं वो
आप उसी चीज को फॉलो करें, ना कि हर बार कोई नई नया रिपीट नए थिंग को रिपीट करते हुए, या फिर जो आप ऑलरेडी हर बार गलतियां कर रहे हैं उनको रिपीट ना करें। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं, उसके अंदर एक मेंशन करें कि क्या चीज मेरी जरूरत की है, इंडिकेटर क्या हो सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर पे मैं काम कर रहा हूँ, उसका बैक टेस्ट कीजिए 1 महीने तक। देन बैक टेस्ट करने के बाद में आप जब परिपक्व हो जाए, या उसके बाद आप 1 महीने का बैक टेस्ट कीजिए, 1 महीने तक आप उसको पेपर ट्रेड कीजिए, देन उसको फाइनल एग्जीक्यूट कीजिए, देन वो आपकी परफॉर्मेंस स्किल हो जाएगी और वो स्किल आपको अल्टीमेट प्रॉफिट देके जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए 1 से 2 महीने लगाए। तो जब आप चीज को समझ जाएंगे, जब आप चीज को करना सीख जाएंगे, तो आपकी आदत बन जाएगी। कहते हैं कि बहुत सारी आदत को डालने के लिए हमें हर चीज को 21 दिन तक प्रैक्टिस करना होता है, रिपीट 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 करना होता है, और जब तक वो 21 दिन तक नहीं होती, अगर उसमें 1 दिन का भी गैप या 1 दिन भी छूट गया, देन अगेन 21 दिनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो हमारी हैबिट बनती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, सब कुछ होता है। तो ध्यान रखिए ये बात। और लास्ट वन है मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। लोग कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, जो कि आपको करना चाहिए, और इसके अंदर आपको एक रेशियो डिफाइन करना चाहिए कि भाई मैं किस तरीके से, कितना मेरा प्रॉफिटेबल रेशियो होगा, किस तरीके का मैं ट्रेडिंग साइज यूज करूंगा, किस तरीके का मैं लॉट साइज यूज करूंगा, कितने शेयर्स में बाय करूंगा, और कितना स्टॉप लॉस होगा, 5% का स्टॉप लॉस होगा, 0.5% का स्टॉप लॉस होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, और मैं सबसे बड़ी बात कि मेरा स्टॉप लॉस सबसे पहले होगा या नहीं होगा। आप कोई भी ट्रेड लेने जाते हैं, मैं कहता हूं सबसे पहले आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। कभी कभी क्या होता है, ट्रेड लेते से स्टॉप लॉस भी कट जाता है बड़ी बड़ी चीजों में। तो सबसे पहले आप स्टॉप लॉस पुट कीजिए, देन आप बाय या सेल का ऑर्डर लगा दीजिए, देन आप काम करना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप कभी भी रिस्क में नहीं आएंगे और हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। आपका जो रिस्क पैरामीटर है वो हमेशा डाउन रहेगा, बट प्रॉफिट वाला पैरामीटर हमेशा अप रहेगा। तो दोस्तों यही बात मैंने आपको समझानी थी। चले अब हम हमारे स्क्रीन पे चल चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमने कुछ पहले जो शेयर रिकमेंड किए थे उसका क्या हुआ। देखिए TCS जब हमने आपको इस लेवल पे कहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो आप देखिए 2780 रुपये से ये शेयर आपको 2900 रुपये हो गए, 2934 रुपये आज का ही हाई था। मतलब अगर हम बात करें तो ये हो गया 150 रुपये का, और अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो 3000 रुपये के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो 5000 रुपये। देन अगर हम टाइटन की बात करें तो हमने आपको कल भी कहा था कि ये इसी तरीके से, देखो यहाँ पर अगर ये नीचे टूटा तो आज गिर जाएगा, और आज वैसे भी मंदी हो गई तो मंदी की चपेट में आ गया और ये स्टॉप लॉस, मतलब ये स्टॉक में लॉस हो गया। देन अगर हम बात करें क्रूड की, अब क्रूड में क्या हो रहा है, देखो अब क्रूड किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। क्रूड अल्टीमेट यहाँ तक ये लो मारा, देन अगेन ऊपर बाउंस हो गया, और अभी इसका इन्वेंट्री आया है लगभग 8 बजे, जिसका ये आपको मूवमेंट दिखा रहा है। वेनेसडे को ऑलमोस्ट इन्वेंट्री होती है, देखो इन्वेंट्री में इसको कुछ अच्छा मिला होगा इसलिए ऊपर चल गया, बट अदरवाइज ये नीचे था, देन ये अप मूव कर गया वहां से उसी लेवल से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं क्रूड में ट्रेड बनाऊं, तो आप ट्रेड में ये स्टॉप लॉस किस तरीके से आप सजेस्ट कर सकता हूं मैं आपको, बस ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस होगा दोस्तों, कोई आपको ट्रेडिंग कॉल नहीं है। बट आप इस तरीके से यहां पर एक स्टॉप लॉस रख के, यानी कि आज तो इसने स्टॉप लॉस काटा, बट डेली बेसिस पे, मतलब जब तक डे क्लोजिंग नहीं हो तब तक का स्टॉप लॉस रख के आप अगेन वापस ट्रेड में बन सकते हैं। अदरवाइज फिर ये नीचे मिलेगा आपको वापस से 3940 के आसपास, तो वो आपको देखना हो। देन हम निफ्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों। निफ्टी ने जो लेवल हमने कल बात की थी कि भाई ये ऊपर चलेगा तो ऊपर जाएगा, तो ऐसा लॉजिक हुआ ही नहीं। आज ही के दिन में चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर के चक्कर में आज हमारे जो पॉइंट थे कल के, जो हमने गेन किया था कल के करीबन 70 पॉइंट, और आज के अगर हम हाई माने तो 20-30 पॉइंट का हाई उसने सब तोड़ दिया और उसके बाद ही नीचे आ गए। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये इस चैनल के अंदर आएगा तो फिर ये यहाँ आएगा, हम ये मानते हैं अगर ये कल वापस ऊपर चला तो फिर ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, और अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दे के जा सकता है। देन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए ये जो चैनल है, इस चैनल को ब्रेक तो किया था पहले ये, देन इस चैनल के बाहर भी बाहर है अभी, तो हम मान सकते हैं कि भाई ये स्टॉक अभी भी जा सकता है, बट ये नीचे जरूर आएगा क्योंकि इतनी तेजी यानी बहुत पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके का और पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, दैट मीन्स एक तरह का और सपोर्ट बन रहा है। हो सकता है कल यहाँ से ये वापस बाउंस बैक मार दे, क्योंकि यह पहले इसी लेवल के आसपास से घुमा था ये देखिए आप, और ऊपर चला गया था, बट अगर ये नहीं हुआ तो देन हम वापस नीचे की साइड में 23600 के आसपास फिर मिलेंगे, ये हम आशा करते हैं। बट ऐसा हो नहीं क्योंकि लोगों के बहुत सारों के पैसे लगे हुए हैं मार्केट में, सबका प्रॉफिट हो, सब बाइंग में भी हैं, हाँ बट बहुत सारे लोग सेलर हैं।
हो क्या रहा है कि हम 1, 2, 3, 4, 5 दिन हमारे जैसे बहुत लोग या बड़े बड़े ट्रेडर्स बाइंग करने के लिए बेचारे दिन लगाते हैं और सेलर आते हैं और एक ही दिन में सारा माल खा के चले जाते हैं दोस्तों, इससे ये नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट का बॉक्स का ऑप्शन भी मैं ऑन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।